बाहर मैं शायद एक फैशन शो अटेंड कर रही हूँ, तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और काफ़ी अच्छा था, काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी नए नए चीज़ें देखने को मिली, तो काफ़ी अच्छा था। मुझे एक लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, उन्होंने मेरे को ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी कि उन्होंने काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट कलर पैलेट्स रखे हैं, कुछ ग्लिटरी है तो कुछ बिल्कुल ही सटल है तो कुछ कुछ ज़्यादा ही डार्क है, तो काफ़ी अलग अलग कलर पैलेट्स ट्राई किए हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा था। मैंने भी नीता लूला जी का पहना है, जो मेरा कॉस्ट्यूम है, ये दिखता साड़ी की तरह है बट इट्स अ गाउन एंड इट्स वेरी कम्फर्टेबल, यू कैन आई कैन वॉक इन इट, आई कैन सिट डाउन, बट कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, इट्स वेरी कम्फर्टेबल। गुड इवनिंग। सबसे खास मुझे ऑब्वियसली सुष्मिता मैम की एंट्री लगी, बचपन से आई हैव सीन हर ऑन टेलीविजन एंड आई हैव सीन हर in the movies, but I've never seen her like in front of me, and seeing her in front of me walking the ramp was the best feeling, and I felt like standing up and rooting for her. And the two girls coming up. Yeah. Complete show. Yeah. Very soon, I guess. Maybe in the next Bombay Times Fashion Week. Sabyasachi a lot and that's because of the colors that he chooses. मुझे लगता है वो हर बार freshness लाते हैं अपने costumes के साथ. Also I like Anita Dogre for the what detailing उनकी काफ़ी अच्छी होती है, तो वो मुझे ज़्यादा पसंद आती है. And obviously Neeta Lula because I'm wearing her. Yeah. फैशन सेंस बिल्कुल ज़ीरो है, तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि नवरात्रि है, फेस्टिव सीज़न है, तो हमारे इंडिया में तो लोग इंडियन अटायर ही पहनते हैं, और मैं स्पेशली अगर पहनना चाहूँ तो मुझे लहंगा पहनना बहुत पसंद है, तो मैं शायद दिवाली पे वही पहनने वाली हूँ। आई एम गोना शेयर द पिक्चर डेफिनेटली। या मेरी तरफ से आप सभी को जो भी मुझे देख रहे हैं बहुत बहुत नवरात्रि, दिवाली, दशहरा और क्या है न्यू ईयर्स की बहुत बहुत बधाई। उससे पहले सारा कर दिया ना मैंने एक साथ, एक ही बार में निकाल दिया। मेरी तरफ से सभी व्यूअर्स को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और दुर्गा पूजा की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कुछ ये आया ना कट करके डालो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।